लोगों युति का एक एजेंडा है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, भाई से भाई को आपस में लड़ाया जाए और मुस्लिम समाज के जो बड़े पैगंबर हैं उनके बारे में बुरा बोला जाए और उसके बाद उनकी इच्छा होती है कि हम मुस्लिम समाज युति को वोट करे। मैंने मेरे बाइट में कहा हम युति को वोट नहीं करेंगे, हम खड्डे में रहेंगे, हम हमारा नुकसान सहेंगे लेकिन हम युति को वोट नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये लोग हिंदू और मुसलमान को जो हम भाईचारे से रहते हैं, हम प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार में जाते हैं, हम ईद को मिलते हैं, हम दशहरे को मिलते हैं, हम दिवाली में साथ में रहते हैं, हम हर त्योहार साथ में मनाते हैं और हम किसान हैं, हम मजदूर हैं। हमारे जो हाल ये युति सरकार ने करके रखी है और भ्रष्टाचार मचा के रखा हुआ है, जधर देखो उधर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को अपने पक्ष में लेकर वो गोंती एक मशीन है उसके अंदर धोकर वो साफ कर लेते हैं। और हमारे महाआघाड़ी के लोगों पर, हमारे महाआघाड़ी के नेताओं पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है। अरे तुम्हारा भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि तेल महंगा, दाल महंगी, अरे हर चीज महंगी, खाने के लिए गरीबों के पास पैसा नहीं। अरे कांग्रेस ने कहा कि आप 1500 महिलाओं को देते हैं, हम 3000 रुपए देंगे और महिलाओं का सम्मान बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम हिंदू मुस्लिम एक है, मुगलों के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से हम सब प्रेम से भाईचारे से रहते हैं। ये देश के अंदर अभी कहा जा रहा है कि उद्धव साहब ने हिंदुत्व छोड़ दिया, अरे हिंदुत्व कैसा छोड़ेंगे, वो बाड़ा साहेब ठाकरे की औलाद है। अरे बाड़ा साहेब ठाकरे की औलाद ये आज अपने महाराष्ट्र की एक तोप है। मैं कहना चाहता हूं भाइयों से कि हमने देखा, चंद्रराज भाई एक दो एक मिनट के लिए बोलना चाहूंगा कि मैं मुस्लिम समाज का हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं, अल्लाह से डरता, क्यों कि मेरे साथ ये स्टेज पे बैठे हुए सब नेता और यहाँ पर बैठी हुई सारी जनता है, सब हिंदू मुसलमान है। हम किसी से डरने वाले नहीं, हम किसी से डर का रोड देने वाले नहीं और किसी से घबराने वाले नहीं। तुम्हारी धमकी, तुम्हारी दादागिरी जलगांव में चलाना, अड़ावाद और चोपड़ा तालुके में चलने वाली है और हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज, हमारा मुस्लिम समाज बगैर डरे 20 तारीख को हमारा निशान मशाल के ऊपर वोट देकर 23 तारीख को धूम धड़ाके के साथ प्रभाकर अप्पा को निवाड़ कर देगा। ऐसी उम्मीद मैं ऐसा आपको अप्पा साहब आपको आश्वासन देता चोपड़ा वासियों के तरफ से कि हमारे अरुण भाई गुजराती, हमारे संदीप भैया, हमारे कैलाश बापू, इन्होंने प्रेम दिया। कभी कोई कार्यकर्ता को, कोई पक्ष के कार्यकर्ता को ये नहीं कहा कि तू हमारे पक्ष का नहीं, हम तेरा काम नहीं करेंगे। कैलाश बापू शिवसेना के आमदार थे पर ये वजह काजी छाती ठोक के कहता है बापू से लड़कर काम कराया, भैया साहब से लड़कर काम कराया, संदीप भैया से लड़कर काम कराया। ये त्रिमूर्ति अपने चोपड़े तालुके की शान है, इनके कहने के ऊपर हम अप्पा साहब को मतदान करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।